तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका भाई न्यूयॉर्क स्पेन। और गाइस, एक और व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ और ट्राई कर रहे हैं भाई। इस बार कैमरा भी अच्छी क्वालिटी का उठा है और अच्छा व्लॉग लाने की कोशिश कर रहे हैं। और गाइस, जिस जगह पर हम जा रहे हैं उसका नाम है, क्या नाम है उसका? सेदगई लेक हम जा रहे हैं। और गाइस, सीन ये है कि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो हम बाइक्स पे, सब कुछ ये हमारे सब पीछे दो बाइक्स खड़े हैं और बाकी मेरे कज़न जो है वो हमें रास्ते में मिलेंगे। तो ये बाइक्स हम पिक करके जा रहे हैं और भाई आगे रास्ते में अपने कज़न्स को पिक करेंगे और फिर सेदगई लेक की तरफ हम अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। वो थैलियाँ वगैरह, उसमें सारे हमारे बिस्तर वगैरह है। तो जिस जगह पर हम जा रहे हैं वो बिल्कुल लोनली जगह है, लाइक पैदल जाना पड़ता है उसके लिए। पैदल रास्ता जो है 5-6 घंटे का सिर्फ पैदल आपको चलना पड़ेगा। और सीन ये होगा कि वहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती, तो बाइक्स हम नीचे जो क्राउडी इलाके होंगे वहाँ पर छोड़ लेंगे और फिर हम वहाँ से निकलेंगे और सेदगई लेक की तरफ हम पैदल अपना सफ़र स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज इन्जॉय करें और आगे आपसे मिलते रहेंगे। तो गाइज ये है दरियाए पंचकोड़ा और सीन ये हुआ है कि हमें रास्ते में ये रेस्क्यू के अहलकार मिले। ये गाड़ी इनकी खड़ी है तो, और यहाँ पर अच्छे खासे बंदे भी इकट्ठे हुए हैं। तो जब हमने इनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो बताया गया कि एक बंदे को ये दरिया बहा के लेके गई है। और भाई ये दरिया जहाँ से निकल रही है, हमारा स्पॉट वही जगह है। हम उस लेक में जा रहे हैं जहाँ से ये दरिया स्टार्ट होती है। अच्छा गाइस, तो हम इस टाइम अपने एक भाई के साथ खड़े हैं जो कि रेस्क्यू एहलकार है और यहाँ पर रेस्क्यू करने आया है, और उससे डिटेल्स जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो भाई आप हमें बता सकते हैं कि ये क्या वाकया पेश आया है? ये दिलदुवर में खाल के रबात की साइड पर एक गाड़ी गलती हो गया, इसमें 9 बंदी था और 8 हमने निकाल दिया और एक बंदा अभी ढूंढ रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी निजामुद्दीन भाई भी आए कटखेड़ी से और हमारा दिलदुवर की जवान थी। अच्छा भाई, चलो थैंक यू सो मच गाइस। तो जैसे आपने सुन लिया कि ये है दरियाए पंचकोड़ा और इसमें असल में गाड़ी गिरी है जिसमें से 8 बंदे रेस्क्यू हो चुके हैं और एक बंदा अभी भी बाकी है। एक बंदे को रेस्क्यू अभी भी कर रहे हैं और ये रेस्क्यू एहलकार से जैसे हमारी बात हुई है। तो गाइस, आपको अगर आगे हमें कुछ डिटेल्स मिले तो आपके साथ शेयर करेंगे और अगर नहीं मिले तो फिर व्लॉग पर फोकस करेंगे। गाइज, आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारे साथ क्या सीन हुआ है। सीन ये हुआ है कि मैंने बताया था आपको कि उस हादसे के बारे में अगर मुझे कुछ और डिटेल्स मिले तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट हादसे के डिटेल्स हमें नहीं मिले। बट सीन हमारे साथ ये हुआ है गाइज कि अभी रात के बज रहे हैं, तकरीबन 1 बज रहे, इट्स 1 AM ऑलमोस्ट, हाँ बिल्कुल 1 AM। और सीन ये हुआ है गाइस कि हम सुबह तकरीबन 12 बजे घर से निकले थे और 1 बजे हमने, 1 बजे तक, रात के 1 बजे तक सिर्फ हमने 50 किलोमीटर ही तय किया है। क्यों? क्योंकि भाई हर जगह पे पुलिस खड़ी थी और भाई जो टूरिस्ट बंदे थे उनको आगे जाने ही नहीं दे रहे थे। तो भाई अभी मजबूरन हम, अभी अपने एक कज़न है उसके एक हाउस है भाई, उसमें हम स्टे कर रहे हैं और मैं अपने बाकी सारे कज़न से, लाइक बहुत यार इतना थका हूँ मैं और मेरे सारे कज़न्स, क्योंकि बहुत तकलीफ से हम गुज़रे हैं जो सीन हमारे साथ हुआ है। और जिस लाइक हमने फिर सोर्स यूज़ किए हैं और चेक पोस्ट से निकले हैं, लाइक 12 घंटे में सिर्फ हमने भाई 50 किलोमीटर तय किया है। और ये सिर्फ वजह ये थी कि भाई वो हमें आगे जाने ही नहीं दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि भाई वापस नो टूरिज्म ऑन दिस ईद। तो सीन ये हुआ था गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं, अभी हम सोएंगे। ये मेरे कज़न्स हैं, ये सब उधड़े पड़े हैं, सब थके हुए हैं। तो भाई कल इनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और कल के लिए, कल तक अल्लाह हाफिज़। तो गुड मॉर्निंग गाइज, और सुबह हो चुकी है और हम सब कज़न जो है इकट्ठे हो चुके हैं। ये हमारी टीम और गाइस मिलवाता हूँ इनसे।
ये है मेरा कज़न रिजवान खिलजी, ये सुहेब हसन, और ये मेरा भाई है उसामा। इसको तो जानते होंगे, अच्छे खासे बंदे मेरे चैनल पे जो पबजी मोबाइल खेलता है। ये है मेरा कज़न यासीन, ये है मेरा कज़न गुलाबो, गुलाब लाइक रियल नेम है इसका। ये है मेरा कज़न नसीबदार, और ये इसका बेटा, इसका बेटा दरोमो आया चुने। मेरा कज़न जहूर। तो गाइज हमारी टीम रेडी हो चुकी है, बाइक हमने सब सामान अपने बांध लिए है, और ये चेक कर लिए हमारे सारे सामान वगैरह इस बाइक पे, अच्छे खासे सामान इस बाइक पे, अच्छे खासे सामान। और भाई वी आर रेडी टू मूव, आपको बस व्यू दिखाता हूँ कि किस जगह पे हम खड़े हैं। नीचे दरियाए पंचकोड़ा को इन्जॉय करें और फिर निकलते हैं यहाँ से। Yeah.
जैसा कि आपको पता है कि भाई कितनी मेहनत करी है हमने, बाइक्स निकाले हैं किस पोजीशन से और भाई क्या क्या सीन चला है हमारे साथ। और भाई अभी हमारे बाइक्स में थोड़े काम भी आ गए हैं, तो भाई वो हमारा मैकेनिक बैठा हुआ है, फिक्सिंग कर रहा है। एंड सीन ये चल रहा है गाइस कि बारिश आ चुकी है, और जैसा कि आपको पता है कि भाई इस जगह का वेदर प्रेडिक्टेबल नहीं होता, कभी भी कहीं भी बारिश हो सकती है। तो भाई अब हम अपना कैंप यहीं पर लगा रहे हैं, और इंशाल्लाह कल हम फिर से, अभी भी बंदे बोल रहे हैं हमको कि यहाँ से अब आपको आगे ये वो जगह है जहाँ पर हम बाइक पार्क कर देंगे, और अब यहाँ से आगे हम जाएंगे लेक तक पैदल, और वो पैदल रास्ता 6 घंटों तक का है, और भाई हमें 2 दिन लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो भाई आपको सफ़र का पता अंदाज़ा हो चुका होगा कि 2 दिन हमें सिर्फ यहाँ पर पहुँचने में लगे हैं, और अब हम आगे अपने हमारा लोकेशन है, अब हम उसके तरफ बढ़ेंगे, बट सॉरी अब नहीं,
कल बढ़ेंगे, लाइक अभी हमारा स्टे इधर ही होगा, या तो हम इधर ही कैंप लगाएंगे, सही है, और या वो एक बंदा है और हमें बोला है कि वो जो घर आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, बोल रहा है कि ये घर खाली पड़ा है, आप वहाँ पर जाके स्टे कर सकते हो। तो आई होप भाई कि हमें लाइक अगर वो घर मिल जाए तो हमारे लिए लाइक टेंट फैलाना और ये सब थोड़ा इजी हो जाएगा, हम जाके डायरेक्टली उसमें स्टे करेंगे। तो गाइज अभी आपको अपनी तैयारी दिखाते हैं और देखते हैं कि गाइज हमारे सारे बंदे क्या कर रहे हैं। अभी इस जगह का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को गाइस। तो ये चेक करें जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं, यही है दरियाए पंचकोड़ा और इसके किनारे हम स्टे करेंगे। और आगे जैसे आप रोड की हालत देख सकते हो कि ये है रोड की हालत। तो भाई अब हम यहाँ पर अपना कैंप लगा रहे हैं और भाई चारों तरफ लाइक वो जो पहाड़ है, हमारा लोकेशन वही है गाइस, जो जिस पर बर्फ़ पड़ी है वो वाला, ये हमारा लोकेशन है। हम यहाँ तक जाने का ट्राई करेंगे क्योंकि रोड आगे बहुत ख़राब है और सीन थोड़ा ऑफ चल रहा है हमारा, और जितना हम ट्राई कर सकते हैं वो करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो भाई फिर आपको बता देंगे। तो आप अभी ये लोकेशन देखिए जहाँ पर अब हम स्टे कर रहे हैं। तो बॉयज हियर वी गो, हमारे बाइक्स हम वहीं पर छोड़ा है और हम जो घर में उस लोकेशन से दिखा रहा था कि हम अगर वहाँ पर इजाज़त मिल गई हम वहाँ पर स्टे करेंगे, तो भाई हमें वहाँ पर इजाज़त मिल चुकी है और हम अपना कैंप जो है यहाँ पर ले गया है और अब अपना नाइट का जो स्टे है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो भाई आपको दिखाता हूँ अपनी तैयारियाँ कि यहाँ पर लाइक चत्तू तैयार मिल गया, तो भाई जाहिर सी बात है मिनिमम सी तैयारी की है और वो आपको दिखाता हूँ। मेरे सारे दोस्त लोग जो है पड़े हैं उधर, तो आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर पानी भी भाई बिल्कुल फ्रेश वाटर जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ये चेक करे वो पानी लड़का लगा हुआ था। और हम अभी हमने अपना स्टार्ट कर दिया डिनर का प्रोग्राम और यहाँ से गाइस आपको व्यू कैप्चर करके देता हूँ कि स्टे हम कहाँ पर कर रहे हैं, लाइक वन ऑफ द बेस्ट व्यू। अच्छा गाइस अभी मैं अपने कज़न के साथ निकला हूँ, वो रहा मेरा कज़न ये, इसके साथ निकला हूँ। और भाई यहाँ पर आके मुझे पता चला है कि यहाँ पर एक पौधा मिलता है जो कि बहुत ही इंतहाई रेयर है। और भाई अभी मैं वो गैदर कर रहा हूँ, ये है सही है, ये मैं गैदर कर रहा हूँ और भाई ये हम जाके पकाएंगे। तो भाई ये वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग है और मुझे इसका डिस्कवरी से पता चला था, और भाई वो अभी लाइक इसके बारे में मैंने स्टडी भी किया था, तो भाई पता चला है कि ये वही है। तो अभी मैं गैदर कर रहा हूँ और उसके इसको पकाएंगे और फिर मिलके खाएंगे। तो ये आपको दिखाता भी हूँ, आ जाए फॉलो मी, हियर वी गो बॉय, ये रहा, यू कैन सी इट आई थिंक, ये वाला सही है, कैन यू सी इट गाइस, हियर वी गो, टेक इट। एंड दैट्स इट गाइस, पकाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे।
अभी हम यहाँ पर गैदर हुए हैं और अभी हम ये रास्ता पकड़ेंगे, इसके थ्रू अब हम जाएंगे लेक की तरफ और आगे का जो पैदल रास्ता है वो तकरीबन 7-8 घंटों का है पैदल रास्ता जो, और वो भी हमें लोकल से आके बता रहे हैं कि आप स्टे नहीं करोगे तो 7-8 घंटों का है, आप अगर स्टे करोगे और जगह जगह पे आप रुकोगे चाय के लिए, लाइक रोटी खाना वगैरह के लिए, तो भाई आपको फिर जो है रात रास्ते में ही बितानी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं तो भाई हम कितना तक जा सकते हैं, क्योंकि लोकल्स हमें ये भी बता रहे हैं कि भाई अभी तक वहाँ पर इतना लाइक यहाँ तक स्नो पड़ा हुआ है और देयर इज़ नो वे कि आप लोग वहाँ पर जा सको, क्योंकि हम खुद वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं स्नो की वजह से। तो अब देखते हैं गाइस जहाँ तक हो सके हम जाते हैं, और फिर अगर नहीं हुआ तो सही अच्छी बात है, बैक आउट। यहाँ पर आप स्टे करेगा, आएगा तो बखीजू। 3 घंटे के सफर के बाद तकरीबन हम एक जगह पे आ पहुँचे जहाँ से अब ग्लेशियर्स स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल हमारे क्लोज हो रहा है ग्लेशियर। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, वेट कैमरा टर्न करके आपको दिखाता हूँ, हो रहे कुछ ग्लेशियर्स बिल्कुल ही हमारे क्लोज, ये रहे ग्लेशियर सही है, ये यहाँ से जो है और भी हमारे लिए मुश्किल होगी, क्योंकि आगे ये लोकल्स हमें बता रहे हैं कि आगे आपका जो रास्ता है वो आप ग्लेशियर्स में से होके जाएंगे, और अभी हम इस पहाड़ के चोटी पे चढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना रास्ता पकड़ेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे। तो गाइस आप थोड़ा व्यू एंजॉय करें और हम अपने सफ़र पे फोकस करते हैं।
गाइस तो तकरीबन 8-9 घंटे पैदल सफ़र करने के बाद हम एक ऐसे लोकेशन पे पहुँचे हैं जहाँ पर हम अभी स्टे कर रहे हैं। वो बिहाइंड दैट लोग हमारे जो बंदे वो बैठे हुए हैं और लगा के बैठे हुए हैं। और सीन ये हुआ है कि हमें यहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि भाई आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और भाई आप स्टे करो क्योंकि ये एक अभी तो ईद का सीज़न चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि किसी को जाने नहीं दे रहे आगे, तो सारे टूरिस्ट स्पॉट्स जो है वो खाली रहेंगे। और ये चेक करें, इस जगह में अच्छा खासा लाइक बंदे ज़्यादा तो नहीं पहुंच पाते क्योंकि पैदल रास्ता बहुत है, अच्छे अच्छे खासे बंदे लाइक हमारे जैसे बंदे पहुंच ही जाते हैं यहाँ पर और आके यहाँ पर उनका उनके मैचेस होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर स्टेडियम होता है और अच्छे खासे लाइक टूर्नामेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर बंदों ने बताया कि यार आप अभी यहीं पर स्टे करो और यहाँ से आप अपना लाइक जो खाना वगैरह है वो आप तैयार करो, रोटी खाओ और फिर यहाँ से वापस हो लो क्योंकि रात को बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पर। तो हम अभी वही कर रहे हैं। ये रहे गाइस, हमारे सारे तैयारियाँ चल रही है, वो कुकिंग चल रही है एंड बाकी सारे बंदे जो है हंगर से हाल ख़राब है। और भाई मेरे साथ जो सीन हुआ है आई स्वेयर ऑन गॉड मैं बता नहीं सकता भाई, मैं लाइक 2 कदम नहीं चल पा रहा था भूख की वजह से और हाइट की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से यार, इतने मुश्किलों से पहुंचे हैं। तो चलो गाइस आगे मिलते रहेंगे। Thank you.
बड़े सफर के बाद अब हम वापसी कर रहे हैं। और गाइस चलो वापसी चले हमारे साथ। तीन सौ तीन तीन।